कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। पार्टी लीडर्स ने बीजेपी पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र के हिंगोली में सुबह दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। डोमेवली के देशमुख होम एरिया में 30 से 35 गोदाम जलकर हुए खाक। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। शेरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ चार शादी करने के लिए शेरिया और हदीस क्यों आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहा होम मिनिस्टर अमित शाह ने। डोमेवली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। डे केयर सेंटर वालों के खिलाफ केस दर्ज हुई। मासूम बच्चे पर जुल्म करने का वीडियो। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेंडर में गोल्ड स्मगलिंग का मामला। 8 अलग अलग केसेस में 1 करोड़ से अधिक का गोल्ड किया गया सीज। 72 लाख सीज किया गया इलेक्शन स्क्वाड ने। घाटकों पर इसे आईटी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन जारी। महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी स्टेट महिला विंग प्रेसिडेंट सीमा एस गोटे ने कांग्रेस को किया ज्वाइन। साइन धारावी में स्कूल के 25 से 30 स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। खाने की प्लेट में मिली थी छिपकली। थाने के गलवा में इलेक्ट्रिक बैटरी ब्लास्ट होने से 3 लोग हुए घायल। गली न्यूज की पब्लिक रिपोर्टिंग। टोकेश्वरी वेस्ट अमीनानगर से खुले गटर से लोग परेशान। गुटखा तस्करी के मामले को उजागर किया। नवी मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। CAA कानून पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। सरकार को नोटिस इशू कर जवाब मांगा। तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने 1 पिस्तौल 2 जिंदा कारतूस बरामद कर 1 शख्स को किया गिरफ्तार। मीरा रोड पर रोड रोलर ब्लॉक कर रहा है रोड, अब इसे टोइंग कौन करेगा, लोग पूछ रहे हैं सवाल। सोने का भाव आज 68,000 के करीब, वही चांदी का 77,300 रुपए किलो हुआ। एलविश यादव के सांप के जहर मामले में NDPC एक्ट हटाया गया। पुलिस ने कहा ये एक क्रियलिकल मिस्टेक थी। MBBP वाल्वी पुलिस डिटेक्शन टीम ने बाइक और ऑटो रिक्शा चुराने वाले 3 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। 3 गाड़ी की बरामद। मुंबई में वेदर अपडेट। तापमान बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी 22% पर, AQI भी बढ़ रहा है, मुंबईकर के लिए चैलेंजेस बढ़े। मुंबई पुलिस ने झूठा FB अकाउंट बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की। आपराधिक ने मनसे विभाग प्रमुख के नाम की नकली प्रोफाइल बनाई और अपने दोस्त से मांगे पैसे। BMC ने एक ही दिन में 100 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया। नगर निगम ने सिर्फ 2023 और 2024 के 35% टैक्स वसूली की है। 7 मुंबई के बिजनेसमैन को 50,000 का नुकसान। फेक पुलिस ने बेटे के खिलाफ रेप केस की धमकी देते हुए बिजनेसमैन से वसूले 50,000 रुपए। 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट केस में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट पर स्टे लगाया। रणबीर कपूर एक बार फिर हुए ट्रोल। वीडियो में शॉर्ट स्कर्ट पहनने पर टीचर की टांगे देखने की बात को लेकर गुजरात टाइटंस ने मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट के लिए संदीप वारियर का नाम अनाउंस किया।